नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी में है, जिसके तहत 26 नवंबर को एक भीम संसद का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों का जुटान होने वाला है। राजधानी पटना के वेटनरी मैदान में 26 नवंबर को आयोजित होने वाले भीम संसद में 1,00,000 लोग शामिल होंगे। इसी लक्ष्य के साथ जोरदार तैयारी चल रही है। इसे सफल बनाने को लेकर मंगलवार को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महादलित आयोग के सदस्य राम नरेश राम ने की। बैठक में अशोक चौधरी ने कहा कि आज सांप्रदायिक शक्तियां देश को अस्थिर करने में लगी हैं तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। हम सबके नेता नीतीश कुमार ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, इसलिए आज जरूरत है कि हम सभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को और उन ताकत दें। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से यह आग्रह किया कि 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूती देने के साथ आरक्षण और संविधान विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। बैठक में जेडीयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा, प्रभुनाथ राम उपस्थित थे। इससे पहले 10 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और कहा था कि भीम संसद रथ के जरिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्श, विचार एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाए, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जदयू की भीम संसद को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दलित वोट बैंक को लामबद्ध करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका स्लोगन संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ है। भीम संसद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत विपक्षी दलों के नेता भी संबोधित करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसके तुरंत बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही हैं। इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार ने भी दलितों को वोट बैंक साधने के लिए ये कार्ड खेला है। उन्होंने 26 नवंबर को भीम संसद की आयोजन करवाने वाले हैं, जिसमें करीब 1,00,000 लोग शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक को अपने तरफ किया जा सके, क्योंकि दलितों की जो ताकत है वो कितनी बड़ी वोट बैंक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा हर नेता हर पार्टी को है। इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार ने इस भीम संसद का आयोजन किया है। अब इसका कितना फायदा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को आने वाले चुनावों में मिल पाता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।